साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ में। और आज हम हैं आपका रॉयल विला इनक्लेव में, जो कि लोकेटेड है आपका बिरला स्कूल के पास। बिरला स्कूल के अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 300 से 400 मीटर के आसपास के दायरे में ये आपका इनक्लेव है, और जो कि फॉर सेल है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये पूरा वेल डेवलप्ड है और फुली फर्निश्ड है, जो कि ओनर के एंड से पूरा बनाया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं, एंटर करते हैं। हालांकि बताना चाहूँगा कि इसका जो एलिवेशन है, आप देख पा रहे हैं बाहर का ऑप्शन, ये देखिए इसका पूरा प्राइम एलिवेशन है इसका। जैसे उधर पे आप देख पाओगे, इधर पे ग्रीन है, यहाँ पर ऑरेंज है, इसके जस्ट बिसाइड पे येलो है और फिर ग्रीन है। तो हमने एंटर करना है ऑरेंज वाली पोर्शन में या ऑरेंज वाली प्रॉपर्टी में। ये देखिए, आइए चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या कुछ खास है आपके लिए। जैसे हम यहाँ पर एंटर होते हैं, तो एंटर होते ही आप देख पाओगे यहाँ पर ना आपका एक छोटे फोर व्हीलर के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा पार्किंग स्पेस है। हालांकि वैसे बताना चाहूँगा कि जो बाहर का जो रोड वाला एरिया है आपका, वो भी काफ़ी अच्छा है। अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 फीट की इसमें रोड है। और आप जो देख पा रहे हैं आगे गाड़ी ओनर की ही है, तो देखिए इसमें कितना स्पेस है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास है। तो देखिए, जैसे हम अंदर एंटर करते हैं, एंटर अंदर करते ही यह है आपका यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक का एरिया। इसी के पास में लगा हुआ है आपका टुल्लू, तो वाटर टैंक के साथ में आपका जो ये आपका जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक का जो जो कैपेसिटी है वो है आपकी 4000 लीटर की। ऊपर आपका यहाँ पर कैरियर कंपनी का एसी लगा हुआ है। बाकी ये आपकी एंट्रेंस है, ये आपके असल में एंट्रेंस है आपकी गेस्ट रूम की। और इसके साथ में ये है आपकी यहाँ पर एक और पार्किंग, जहाँ पर आपका टू व्हीलर पार्क हुआ है इधर पे, तो वो टू व्हीलर पार्क भी है। और साथ में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका इन्वर्टर है, यानी कि जो इतना अच्छा स्पेस है ये भी काफ़ी अच्छे से और बड़े प्यार से यूटिलाइज़ करा गया है। और यहीं से इसकी सीढ़ियाँ भी हैं ऊपर छत में जाने के लिए। देखिए यहाँ से ऊपर के लिए सीढ़ियाँ जानी हैं। और यहाँ पर आपकी जो रेलिंग लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं इसमें, ये है आपकी SS की स्टेनलेस स्टील की, इसमें रेलिंग लगी हुई है। नीचे आपका पूरा स्टोन का इस्तेमाल करा गया है। और आगे जो फ्रंट में जो एंट्रेंस है वह है आपकी 7 फीट की, जो डोर की एंट्रेंस है। अभी यूँ कहूँ तो जो डोर का साइज़ है वह है 7 फीट का। और इसी के साथ में आप ऊपर देखोगे ना, बाहर की तरफ से आपका छत में फॉल सीलिंग हुआ है। देखिए देख रहे हैं, ये पूरा फॉल सीलिंग से पूरा कवर्ड करा हुआ है, फ्रंट पोर्शन ही पूरा। इसमें भी आपको कोबलेट दी गई हैं, दो नीचे गई हैं और दो ऊपर दी हुई हैं। और एक एक्स्ट्रा और रोड यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर पावर पॉइंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ताकि बाहर से कोई भी हमने काम कर सको। तो चलिए अंदर एंटर करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास है। वाओ, देखिए जैसे ही हमने अंदर एंटर करा है ना, अंदर एंटर करते ही आप देख पाओगे इसमें जो फ्लोर में आपकी जो टाइल यूज़ करी गई हैं, टाइल का जो साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 6x8 फीट का है। देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए आप, 6x8 की इसमें टाइल्स यूज़ करी गई हैं, जो कि काफ़ी चमकदार है, शानदार हैं और देखने में बहुत प्यारी हैं। पर उससे पहले एक बार हम हाय करते हैं अपने दोस्त को। ये अपना दोस्त है छोटू सू, अंदर बैठा हुआ है, बहुत शैतान है, बहुत गुस्से वाला है। हमने जैसे ही अंदर एंटर करा, एंटर करते ही हमारे राइट हैंड साइड पे आपका यहाँ पर मॉड्यूलर किचन, जैसा आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पर अभी फैमिली रहती है। फैमिली के साथ में यहाँ पर पूरा का पूरा आपका मॉड्यूलर किचन है। और इसमें ऊपर आपका यहाँ पर लाइट दी गई है, ये लाइट अपनी कलर चेंजिंग वाली हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा फॉल सीलिंग हुआ है इधर पे, ये देखिए ये पूरी फॉल सीलिंग हुई है। सामने आप देख पा रहे हैं इधर पे, ये पूरा का पूरा आपका डाइनिंग कम सिटिंग एरिया है। और इसमें पूरा टेक्चर हुआ है पूरी वॉल पे, ये पूरी आपकी सीनरीज हैं यहाँ पर। ये आपका डाइनिंग वाला एरिया आ गया, डाइनिंग कम सिटिंग एरिया। और सामने है आपका इधर पे किचन। और किचन में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो चिमनी यूज़ करी गई है वो है आपकी प्रेस्टीज कंपनी की, तो ये कंपनी की है आपकी प्रेस्टीज। सामने आपका मंदिर है यहाँ पर। तो जो आपका ना ये जो लॉबी कम सिटिंग एरिया है, इसका जो साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली आपका 18 से 18.5 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। सामने आपका मंदिर है, देखिए जय श्री राम, ये आपका मंदिर का स्पेस है। तो यानी कि यहाँ पर ना ओनर के एंड से सारे की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं पूरा एवन तरीके से बनाई गई हैं। चलिए हमारी बात हो गई है किचन की, हमारी बात हो गई है मंदिर की, हमारी बात हो गई है डाइनिंग कम सिटिंग एरिया की। अब चलते हैं आपका गेस्ट रूम की तरफ। देखिए यहाँ ये रहा आपका गेस्ट रूम, आइए चलते हैं गेस्ट रूम की तरफ। जैसे हम गेस्ट रूम में एंटर करते हैं, तो जो उसकी चौखटें हैं, देखिए इतनी चौड़ी चौड़ी यहाँ पर चौखटी इस्तेमाल करी गई हैं, जो पूरा फिनिशिंग का पार्ट है, ऐसा पार्ट ऑफ फिनिशिंग है। ये देखिए देख रहे हैं इसमें, ये पूरा फिनिशिंग का पार्ट है। और ये इसका डोर है, ये देखिए इसका डोर पोर्शन है। ठीक ऊपर आपको देखिए यहाँ पर पूरा ग्लास वर्क यूज़ करा गया है, ताकि लाइट और कर्टेन का काफ़ी अच्छा यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब देखिए कर्टेन कितने प्यारे हैं इसके, जो कर्टेन का जो डिज़ाइन है कितना अल्टीमेट है, कितना यूनिक है। और सामने आप देख रहे हैं वॉल,
ये वॉल है इसकी, जो कि प्लेन एंड सिंपल है। सामने सोफाज हैं, ये देखिए, ये पूरा मतलब जो रूम है सिंपल है और बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट करा गया है। ये देखिए, और इसी में देखिए, यहाँ है आपका एसी, ये ओरेवा कंपनी का है, ये है आपका ओरेवा कंपनी का। तो ये पूरा स्विचबोर्ड आपका ओरेवा कंपनी का है, इसी में मतलब जो पूरे के पूरे मतलब कंट्रोल्स है ना पावर के, वो यहीं पर यूज़ करे गए हैं। रही बात ऊपर फॉल सीलिंग की, अभी देखिए इसमें कितना प्यारा और कितना कम मतलब कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना के दिया हुआ है फॉल सीलिंग का, देखिए देख पा रहे हैं, ये रहा। और रही बात इस रूम की साइज़ की, तो बताना चाहूँगा कि ये जो रूम है आपका, ये रूम है अप्रोक्सीमेटली 10 बाई 11 का, ठीक है। सामने आप देखोगे तो इधर पे आपका पूरा का पूरा, यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर दरवाज़ा है, और ऊपर आपका एसी है, ठीक। आप चलते हैं दूसरी तरफ, हमने बात कर ली आपकी इस बेडरूम की, हमने बात करी इसमें किचन की, हमने बात करी मंदिर की, हमने बात करी आपकी लॉबी कम सिटिंग एरिया की। अब इसी के साथ में यहाँ पर आपके कुछ रैक्स वैक्स बनाए हुए हैं, देखिए ये रैक्स हैं, ये देखिए ये रैक्स हैं, ऐसे वहाँ भी रैक है। हम बात करते हैं इसके साथ में आपके वॉशरूम की, तो ये इसका वॉशरूम रहने वाला है। देखिए वॉशरूम की हाइट देखिए आप पहले, ये जो हाइट है वॉशरूम की कितनी ऊंची है, कितनी अच्छी है, ठीक। और यहाँ पर आपका गीजर गीजर दिया हुआ है, गीजर के पॉइंट एंगल कॉक सब कुछ इसके इस कॉर्नर में है। इधर पे आपका लाइट का ऑप्शन है, सामने आपका यहाँ पर रोशनदान है, रोशनदान के सामने यहाँ पर दी हुई है आपको वॉशिंग मशीन। तो ये सब कुछ ना मतलब एक अल्टीमेट तरीके से बनाया गया। देखिए आप सामने देखा है इधर पे, ये जो आपका जो वॉल में यूज़ करी गई है टाइल्स, इसका जो साइज़ है ना अप्रोक्सीमेटली, ये इतना बड़ा है। देखिए ना आप खुद ही देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए शुरू होता है वहाँ से और ख़त्म होता है बीच में आकर, समझ रहे मेरे कहने का मतलब, कि कितना अच्छे से और कितने प्यार से इन्होंने इस मकान को बनाया गया है। हर एक जगह पूरा अच्छे अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्रांड यूज़ करा गया है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इस वॉशरूम में, यानी कि ये जो कॉमन वॉशरूम है आपका, सामने आपको मिलेगा इसमें फुल प्रोजेक्टर वॉश बेसिन, और यहाँ मिलेगी आपको एक उड़ीसा पेन, उड़ीसा पेन यानी कि आपको इंडियन शीट मिलने वाली है, ठीक। तो हमारी मतलब लगभग लगभग सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं आपके दूसरे बेडरूम की तरफ। दूसरे बेडरूम में जैसे एंटर करते हैं तो देखते हैं कि जो डिज़ाइन है आपके डोर का, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या कुछ खास है। एंटर करते हैं आप देखोगे ना इधर पे, ये जो रूम है, इस रूम का जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है। देखिए 4 4 8 और ये 4 12 और आधा स्पेस ये रहा, तो 12 एक 12.5 स्क्वायर फीट, 12.5 की इसकी मतलब ऐसी चौड़ाई है। और हम ऐसे अगर बात करते हैं तो इसमें है आपका 8 और 4 12, तो 12 बाई 12 का ये रूम होने वाला है, जो कि किंग साइज बेड के लिए काफ़ी अच्छा है। देखिए आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका किंग साइज़ बेड है, दो लोगों का काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर मिलेगा आपको। और इसके लेफ्ट को पोर्शन में और इसके राइट पोर्शन में यहाँ पर आपको स्पेस मिलेगा अपनी कोई भी अमेनिटीज़ को रखने का। साथ ही में आपको मिलेगा यहाँ पर एक पूरा वॉल से अटैच इसमें अलमीरा, जो कि पूरा वुडन में है। देखिए टॉप से लेकर नीचे ग्राउंड तक का यहाँ पर पूरा वुडन अलमीरा दिया हुआ है। इसी के साथ में यहाँ पर यूज़ करेगी फॉल सीलिंग्स, ये देखिए ये पूरी पीवीसी फॉल सीलिंग है, काफ़ी अच्छी है। सारे के सारे पंखे जो मकान में लगे हुए हैं ये सब हेवल्स कंपनी के हैं, यानी कि सब चीज़ आपको ब्रांडेड मिलने वाले हैं यहाँ पर। और इसी के साथ में ये गया है आपका वुडन का स्पेस, देखिए वुडन स्पेस में पूरा का पूरा देख रहे हैं इसमें आप, ये देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जो है मतलब वेल मेंटेन्ड है और सबके साथ ब्रांडेड है, ठीक है। आप चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ, देखिए ये रहा इसका वॉशरूम, एक वॉशरूम ये भी रहा, यहाँ भी है ना पूरा का पूरा। देखिए आप ये देखिए वॉल में इतना प्यारा और इतना बड़ा आपका मतलब टाइल यूज़ करा गया है, और कोई जज नहीं कर पाएगा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई मतलब टाइलें में कोई कमी करी गई है, ठीक। सामने आपको दी इधर पे आपको शीट जो कि है आपकी फ्लोर माउंटेड, साथ में आपको यहाँ पर दिया गया वॉल बेसिन जो कि है आपका फुल पेडेस्टल। सामने आपको मिरर और मिरर के ऊपर आपको लाइट, ये आपका एयर वेंटिलेशन के लिए। बाकी देखिए वॉल में एक तरफ पूरा का पूरा लाइट शेड दिया गया है, यहीं इसी के सामने जो बेडिंग एरिया है आपका ये दिया हुआ पूरा डार्क में, और फिर आपका एक और बेडिंग एरिया के जो राइट हैंड साइड की जो वॉल है वो दी है आपको पूरी लाइट में। ऊपर आपका एग्जॉस्ट है, सामने आपका यहाँ पर रोशनदान है, ठीक। और डोर है आपके पूरे फाइबर के, डोर सारे फाइबर के हैं इसमें। और ये देखिए कर्टेन, देखिए कर्टेन का डिज़ाइन देखिए ना आप, कितने प्यारे कर्टेन इसमें दिए गए हैं, जो आप डिज़ाइन आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कर्टेन यहाँ पर दिए हैं। और ये यहाँ दिया हुआ है आपको एसी का ऑप्शन, ठीक। हम बाहर की बात करें तो देखिए बाहर का स्पेस ये रहा, देखिए बाहर का नज़ारा हरा भरा है, शांत शांत सुथरा माहौल है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, देखिए ऐसा होता है ना मकानों में, जो पुराने मकान होते हैं या जो जो फॉर सेल होते हैं ना, उनके देखा जाता है नीचे इन पोर्शन में दिखाया जाता है कि क्या कहीं सीलन तो नहीं है।
आपने पूरे वीडियो में देखा होगा कि इस पूरे मकान के कॉर्नर्स में ना कहीं से कहीं तक कहीं पर सीलन नहीं है। जबकि देखें ये जो मकान या फिर जो रूम है ये जस्ट आपके ना मतलब वॉशरूम के जस्ट बिसाइड पे है, देखिए कहीं पर सीलन नहीं है। जबकि अमूमन लोगों के घरों में सीलन बहुत जल्दी आ जाती है, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये देखिए आप देखिए पूरे मकान में कहीं से कहीं तक आपको सीलन नहीं मिलेगी। यही खासियत होती है एक अच्छे मकान की, क्वालिटी वाइज़ एक अच्छे मकान की, क्वांटिटी वाइज़ हर एक चीज़ आपको मैं देख पा रहे हैं इसमें बहुत अच्छे से बनाया गया है। चलिए हमने बात कर ली है इस पूरे मकान के ग्राउंड फ्लोर की, अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर क्या कुछ खास है, चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। देखिए आप हम चलते हैं ऊपर छत की तरफ, देखते हैं ऊपर छत में क्या कुछ खास है। हालांकि जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा एसएस यूज़ करा गया है, स्टोन यूज़ करा गया है, तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ। आइए देखा जाए कि छत में क्या कुछ खास है। जैसे हमने ऊपर एंटर करते हैं ना, ये देखिए आप देख पा रहे हैं गौर से, यहाँ पर ना पूरी वाटर प्रूफिंग करी हुई है। मतलब कहते हैं ना कि मतलब सोने पे सुहागा वाली बात। ये देखिए आप यहाँ पत्थर की नक्काशी पूरी करी गई है, और साथ में ये पूरी छत जो है आपकी पूरी यहाँ पर ना छत में आपको वाटर प्रूफिंग करी हुई है। ये देखिए, और ये आपका एशियन पेंट के एंड से दी गई है, एशियन पेंट की पूरी वाटर प्रूफिंग यहाँ पर हुई है। ये देखिए पूरी छत पूरी अलग ही साफ सुथरी चमक रही है, साफ बिल्कुल सफ़ेद है, देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ तक का स्पेस, इसमें यहाँ तक का स्पेस यहाँ पर यूज़ किया गया है। ये देखिए, ये देखिए, और ये है इसका आउटर पोर्शन। ये बाहर का पूरा एरिया है, साफ़ सुथरा का नज़ारा है, तो साफ सुथरा है। ये देखिए, और ये रहा पीछे का एरिया, आप देखिए पीछे का एरिया, ये रहा देखिए। आप देखते हैं भाई, और ऊपर आप देखोगे ना, देखिए नीचे अंडरग्राउंड में था आपका 4000 लीटर का स्पेस, ऊपर आपका देखिए 500 लीटर का एक टैंक है, दूसरा आपका 500 लीटर का है, यानी कि 1000 लीटर ऊपर है। तो टोटल मकान में है आपका 5000 लीटर का पानी का स्पेस। ये आपका कुछ एलिवेशन है, ये आपका मुमटे वाला एरिया, देखिए मुमटे वाला एरिया है, यहाँ पर भी हमने इन्होंने यूज़ करा हुआ है आपका एलिवेशन का पार्ट, देख पा रहे हैं। ये देखिए, तो अगर हम बात करते हैं ना मतलब इस सोसाइटी की, इस कॉलोनी की हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। देखिए, और जो रोड का स्पेस है एक्चुअली ये है आपका 16 फीट का, हालांकि लग नहीं रहा है क्योंकि लगता है जैसे 18 फीट का 20 फीट का लगता है, बट ये है आपका 16 फीट का। सामने आप देखिए यहाँ पर एक बड़ी आपकी i20 खड़ी है, उसके बावजूद कितना स्पेस हमें बचा हुआ, देखिए देख रहे हैं। ये देखिए, और हमारे जो नियर अबाउट लोकेशन है वो है आपकी बहुत ही, हम काफ़ी क्लोज हैं, मतलब बिरला एसओ के काफ़ी क्लोज में है। आप जो सामने देख रहे हैं इधर पे, ये जो पूरी सोसाइटी है, फिर जो मतलब मकानों का मतलब एक ग्रुप बना हुआ है, ये हमारे जो मतलब बीजेपी के नेताजी हैं गोविंद सिंह बिस्ट जी, उनका है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लिखा, ये जो पूरे देख रहे हैं सोसाइटी इधर पे, ये मकान जो वाइट वाइट बने हुए हैं, ये सब के सब गोविंद सिंह बिस्ट जी के हैं, ठीक है। ये तो हुआ आपके लिए पहला सरप्राइज़। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा चीज़, एक और दूसरा सरप्राइज़ है आपके लिए। ये पीछे वाला पोर्शन है, ये है आपका यशपाल आर्या जी का, तो यानी कि यशपाल आर्या जी का जो कोई भी सारे काम हो रहे हैं ना मतलब फैमिली वाले, वो इधर पे हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि उनकी मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टी यहीं पर ही है आपका, चाहे उनका होटल का हो, चाहे उनका मतलब बैंक्वेट हॉल का हो, तो ये पोर्शन है आपका उनके मकान का। तो देख रहे हैं ये है पीछे, मतलब इस प्रॉपर्टी जहाँ हम हैं अभी, इस प्रॉपर्टी का जो पीछे वाला पोर्शन है वो कहीं ना कहीं अटैच करता है आपको यशपाल आर्या जी की तरफ को, और जो फ्रंट पोर्शन है वो करता है आपको गोविंद सिंह बिस्ट जी की तरफ को। तो बिल्कुल प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टी है, और ये मेन हाईवे से मात्र आपका 200 मीटर की दूरी में है, 200 से 250 मीटर की दूरी में होगा, उससे ज़्यादा तो है मैंने अभी मेज़र करा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका 200 से 250 मीटर की ही दूरी में होगा। और रही बात इसके रेट की, यकीन मानिए ना मतलब ये मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखाई है ना, इस प्रॉपर्टी दिखाने के बाद अब आप खुद ही एनालाइज़ करिए इसका रेट क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सामान हम सब कुछ हैं, ये सब ऐसी एज इट इज़ रखा हुआ है, और यहाँ पर फैमिली कुछ टाइम ही रुकी थी यहाँ पर, उसके बाद अब फैमिली जो है आपकी दिल्ली शिफ्ट हो रही है, तो जो ओनर हैं वो खुद चाह रहे हैं कि इस मकान को बहुत जल्द से जल्द भेज दें। बताना चाहूँगा इसका, इस प्रॉपर्टी का जो रेट है वो है आपका सिर्फ 45 लाख। तो 45 लाख रुपये में ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपकी हो सकती है। इस प्रॉपर्टी में है आपके एक दो दो बेडरूम, साथ में इसके दो वॉशरूम, एक आपका किचन, साथ में आपका पूजा रूम, और ऊपर आपका छत का एरिया। हर जगह A to Z हर एक काम अच्छे से करा गया है। कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी कहीं आपके बजट में फिट होती है, आपकी जेब पे भारी भी नहीं पड़ने वाली है, और ये बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच में आपको मिलने वाली है। और बताना चाहूँगा कि जो हमारी लोकेशन है वो है आपकी रॉयल विला एनक्लेव, ठीक, और ये सोसाइटी पूरी आपकी गेटेड है।
तो जो भी हमारे व्यूवर चाहते हैं इसको खरीदना, तो मैं बताना चाहूँगा कि हार्ट कालीगर प्रॉपर्टीज़ कभी भी आपके डीलर्स के या बेचर के साथ काम नहीं करती है। हम लोग हमेशा डील लाते हैं डायरेक्टली ओनर के एंड से। तो जो ये रेट है ये है आपका 45 लाख, जो कि डिमांड करा गया है ओनर के एंड से। तो वीडियो अच्छी लगे तो पक्का इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माँ हार्ट काली।